तो दोस्तों पिछली वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया मुझे, मतलब मज़ा आ गया। आप लोगों के लिए जो मैंने मेहनत करी तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने भी अच्छा रिस्पांस करा। ठीक है जी, तो अभी क्या है कि ये वाले भाई देख सकते हैं आप, इसका नाम रहने वाला है कॉकटेल रेड। बेसिकली देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, रेड कलर की ग्राफिक इस पर लगाई गई है, मतलब बाइक जो है ब्लैक फिनिश में आती है, ग्लॉसी फिनिश जिसे बोलते हैं, एंड यहाँ पे जो है ना रेड कलर की ग्राफिक डाली गई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। जो बात है मतलब डुअल टोन शेड में बाइक दिखती है, एंड इसके अंदर क्या कुछ मिलने वाला है आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन। और सबसे मेन बात यह है कि इसका ना हम क्विक वॉक अराउंड भी करेंगे, साथ में ऑन रोड कीमत भी जानेंगे, और साथ में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी और पर मंथ आपको क्या ईएमआई आने वाली है, तो इसका हिसाब किताब मैं आपको सब बता दूंगा। तो पहले फ्रंट से बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जो कि रहने वाला है 80 सेक्शन का, ठीक है ना। 17 इंच के अलॉय मिल जाते हैं, और अलॉय भी ये वही रहने वाले हैं जो यहाँ पे आपको पल्सर नियॉन में मिलते हैं, ये देख सकते हैं आप भी मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे डिस्क साइज की, तो लगा लो 240 mm की डिस्क मिल जाती है हमको, स्टैंडर्ड नॉन एबीएस बाइक है, बट इसमें जो है ना कॉम्बी ब्रेक इसमें मिल जाती है। टेलीस्कोप सस्पेंशन मिलते हैं इसके अंदर, सेम वही वाले जो अपने पल्सर में मिल रहे हैं वहाँ पे। बट बात करें यहाँ पे, तो इसके ना शोभा बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा हैवी दिखाने के लिए यहाँ पे शॉकर प्रोटेक्टर डाल दिया, इसको बोलते हैं शॉकर काउल। इससे क्या फायदे होते हैं, एक तो शॉकर हमारा थोड़ा सा ना ब्रॉड दिखता है, और दूसरी चीज ये होती है कि भैया जो शॉकर की सील होती है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाती है। मतलब अगर बात करें यहाँ पे, तो ये एक्सपोज हो रहा है, शॉकर रोड हमारी एक्सपोज हो रही है, ये सील होती है, इसमें डस्ट जाएगी तो ये लीक हो जाएगी, तो ऑयल लीक हो जाएगा इसमें से, तो उससे ये होता है कि शॉकर खराब हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एक तो हैवीनेस आ रही है, दूसरी प्रोटेक्शन मिल रही है, तो ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, फ्रंट का जो फेंडर है ये मैट फिनिश में रहने वाला है, रफ मैट बोलते हैं बेसिकली, इस पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते इजिली। एंड यहाँ पे साइड में एक और पैनल मिलता है जो कि रेड कलर में रहने वाला है। अच्छा, इस बाइक की ये खासियत है, चाहे बेस लो चाहे टॉप लो, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाली है। तो ये हो गया, एंड यहाँ पे जो पैनल है इसके ऊपर ग्राफिक किट मिल जाती है हनीकॉम वाली, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये इसकी एक पहचान रहती है हनीकॉम वाली, बिकॉज हनीकॉम वाला जो ग्राफिक किट है वो सिर्फ टॉप वेरिएंट मिलता है, और जो बेस वेरिएंट है उसमें देखने को नहीं मिलता है, उसमें ग्राफिक किट अलग मिलती है। ठीक है जी, ये हो गया। एंड फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे देखो जो फ्रंट की हेडलाइट है उसके साइड में जो पैनल है कितना शार्प है, बहुत शार्प है, काफी एजी है। रिफ्लेक्टिंग वाली एलईडी हेडलाइट मिल जाती है जो कि स्प्लिट में रहने वाला है। चाबी को ऑन करके बाइक को स्टार्ट भी कर लेते हैं। स्टार्ट होने के बाद जो है ना हमारी बाइक का जो है ये रहने वाला लो बीम, ये इसका हाई बीम है, एंड ये इसका पासिंग रहने वाला है, ठीक है ना। तो कंप्लीट जो है ना एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है हमारे को बाय डिफॉल्ट कंपनी से, हेलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं नॉन फ्लेक्सिबल, और ये जो इंडिकेटर है ये रहने वाले हमारे बजाज फ्रीडम के, देख सकते हैं आप। एंड अगर बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे फ्रीडम में, तो यहाँ पे यही प्लेस कर दिए। लेकिन मेरा ये कहना है बजाज से कि इतनी स्पोर्टी बाइक बनाई है, इतनी शार्प लुक वाली, तो यार इसके इंडिकेटर ना थोड़े से अगर एलईडी या फिर कुछ और डिजाइन के होते तो ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। बाकी बात करें कंसोल की, तो यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्ले मिलती है, देख सकते हैं आप। ये हमारे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसके अंदर क्या कुछ इन्हें मिलता है बता देता हूँ। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, बाकी जैसे इंजन ऑफ है तो यहाँ पे देख सकते हैं किल स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे इंजन ऑन हो जाता है हमारा। यहाँ पे एक बटन मिलता है हमारे टॉगल करने के लिए, तो यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाने वाला है, क्लॉक दिखाने वाला है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, और इसके अंदर यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, पेट्रोल दिखाएगा, ओडो दिखाएगा, ट्रिप पे ट्रिप वन ट्रिप टू दिखाने वाला है। जैसे कि ट्रिप टू आ गया, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे ट्रिप वन आ गया, ये आपका ट्रिप टू आ गया, ठीक है, यहाँ टाइम आ गया। तो बेसिकली ये चीज़ मिल जाती है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे कोई हैजार्ड की मतलब हैजार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलती इसमें, ना गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है यहाँ पे, तो वो चीज़ नहीं मिलती। चाबी की बात करें तो चाबियाँ कुछ ऐसी रहने वाली है, देख सकते हैं आप, ठीक है जी। कंट्रोल स्विच देख लो यहाँ पे, यहाँ मिलता है ट्रिपल बटन, ऊपर हाई बीम हो गया, नीचे लो बीम हो गया, उससे नीचे डीपर हो गया, ये कंट्रोल करने के लिए हो गया, मीटर को टर्न इंडिकेटर के लिए हो गया, यहाँ पे हॉर्न के लिए मिल जाता है। इस तरफ आएंगे तो डेडिकेटेड किल स्विच मिल जाता है, ये देखिए। एंड यहाँ पे मिलता है ऑटो स्टार्ट बटन, बेसिकली आई3S टेक्नोलॉजी ज़्यादा काम करती है, मतलब ट्रैफिक में कोई बाइक रोकती हो, न्यूट्रल करते हो, तो बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, जैसे ही आप क्लच को प्रेस करोगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। इसके नीचे मिलता है स्टार्टर बटन, फटाफट से आवाज भी सुन लेते हैं। तो बाइक हो चुकी है स्टार्ट, ठीक है जी, इंजन हो गया स्टार्ट हमारा। अभी क्या है, मैं इसकी एग्जॉस्ट सुना देता हूँ आपको, तो ऐसे कुछ रहने वाली इसकी आवाज़। अगर बात करें फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक ना थोड़ा पास से दिखाएंगे तो छोटा दिखने को दिखता है, ये देखिए इधर से ऊपर दिखाओ, ऊपर से यहाँ से, तो यहाँ पे टैंक देखो कितना छोटा लग गया देखने में, बट ये छोटा नहीं है दोस्तों, ये लगा लो काफ़ी ज़्यादा सही कैपेसिटी से मिल जाती है, 9.7 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। मेटल टैंक रहने वाला है, E20 कंप्लाइंट है, मतलब कि 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल में जाने वाला है। USB का सपोर्ट यहाँ मिल जाता है, देख सकते हैं आप। टैंक पे जो श्राउड है ये देखो काफ़ी लंबा रहने वाला है, काफ़ी एजी है, ये देखो श्राउड और जो इसका वाइजर है ये एक ही लगते हैं, देखने में काफ़ी अमेजिंग से लगता है। एंड जो श्राउड है ये लगा लो ब्लैक कलर रहने वाला है, रेड कलर ग्राफिक किट इसमें लगाई गई है, 3D एम्बलम मिल जाएगा यहाँ पे पल्सर का। एंड यहाँ पे ना
मतलब जो किट है उसके अंदर ना इंग्रेविंग हो रखी है देखो पल्सर के नेम की, जो काफी अच्छी हो रही है जो बात है। एंड यही पहचान है एक तरह से टॉप मॉडल के ग्राफिक की, कि ऊपर आपको 3D में मिलेगा एंड यहाँ पे ग्राफिक में भी आपको पल्सर का नाम मिलने वाला है। ठीक है जी, बात करें इस इंजन की, तो इंजन रहने वाला है इसका 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन रहने वाला है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 12 PS की, और पीक टॉर्क जो है इसका जनरेट करता है इंजन वो करता है 11 Nm का। 5 गियर ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिल जाता है, काफी बटर स्मूथ जो है गियर शिफ्ट होते हैं, मतलब चाहे अपसाइड करो चाहे डाउन करो। साइड स्टैंड मिल जाता है यहाँ पे, ये देखिए सेंटर स्टैंड मिल जाता है बाय डिफॉल्ट आपको, साड़ी गार्ड तो मिलता ही है बाय डिफॉल्ट आपको, और साथ में ना लेडीज फुटर भी मिलने वाला है, वो आपको लगा के देंगे बिफोर डिलीवरी। पीछे टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ लगा लो 110 cc का यहाँ पर टायर मिल जाता है आपको। तो पीछे की जो रियर ब्रेक है ये लगा लो ड्रम वाली मिलती है, हमको पीछे डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलती है, बट ड्रम का जो साइज है 130 mm का रहने वाला है, जिससे आपको ब्रेकिंग बाइट काफी अच्छी मिलने वाली है। टेल सेक्शन की बात करें तो स्प्लिट आपको जो टेल लाइट मिलने वाली है, जो कि LED रहने वाली है। ब्रेक को मैं अप्लाई करता हूँ, कुछ इस तरीके से हाईलाइट होती है, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, और बाकी मैं बाइक को बस स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट जो है वो हैलोजन में रहने वाली, देख सकते हैं आप, जो नंबर प्लेट को हाईलाइट होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा एंड छोटा सा ना ये टेल पैनल वाला जो है अपना मगाड़ रहने वाला, जो काफी अमेजिंग है। एंड साथ में आपको मिलता है यहाँ पे टायर हगर, जो कि डुअल साइड माउंटेड है, यहाँ से और एक अपना यहाँ से। ठीक है, इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक बार स्विंग आर्म दिखा दो। तो स्विंग आर्म जो है ना हमारा रहने वाला है बॉक्स टाइप में रहने वाला है, मेटल का स्विंग आर्म। ठीक है जी, अंडर वाली एग्जॉस्ट रहने वाला है, जिसकी आपको मैंने बात सुना दी है। फुटरेस्ट की क्वालिटी काफी अच्छी रहने वाली है, जो आपकी पल्सर सीरीज आती है नॉर्मल पल्सर नियॉन वगैरह उसमें देखने में मिलते हैं वाले फुटरेस, रबर कोटिंग के साथ में आते हैं। एंड यहाँ पे देखो टेल पैनल पे 125 जो है बड़ा लिखा हुआ है, एन छोटे में लिखा हुआ है। बेस मॉडल में ये एन जो 125 है वो छोटे छोटे में यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉप मॉडल में यहाँ पे आता है, काफी बड़ा रहता है जो बात है। स्प्लिट सीट मिल जाती है, देख सकते हैं आप। एंड यहाँ मिलता है स्टैंडर्ड ग्रैब रेल, देख सकते हैं आप, इसमें होल भी मिल जाता है, इसमें हुक वुक करने के लिए बहुत ईजी रहता है। एंड इस तरफ आप आओगे तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ स्टार्ट तो मिलता है इंजन, लेकिन साथ में किक की फैसिलिटी मिल जाती है। तो एक बार मैं आपको किक से स्टार्ट करके बता देता हूँ कि भाई ज़्यादा फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, ये क्या बात है, मतलब एक किक में स्टार्ट हो गई बाइक, जो बात है बहुत बढ़िया। मतलब ये लगा लो किक मारी मैंने, मतलब ऐसा ज़्यादा मुझे फोर्स लगाना नहीं पड़ा, बहुत इजीली स्टार्ट हो गई है। अब आपको लग रहा होगा लेग गार्ड है या नहीं, तो लेग गार्ड आपको साथ में मिलने वाला है, चाहे आप EMI पे लो चाहे कैश लो। ठीक है जी, अब जान लेते हैं फटाफट से इसकी EMI की डिटेल। तो बेसिकली ये जो बाइक है ये रहने वाली है टॉप वेरिएंट, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक आता है टॉप एक आता है बेस। बात करें टॉप के प्राइस की, तो ये लगा लो दिल्ली में ऑन रोड कॉस्ट करती है 118,000 की, इतने की आपको मिल जाएगी हीरो की एक्सट्रीम 125R। बाकी जो है इसका कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हो। और बात करें इसकी ऑन रोड प्राइस के साथ में तो बता दिया मैंने आपको 1,18,000। अगर बात करें बेस मॉडल की, तो बेस मॉडल पड़ती है आपको 1,13,795 की, मतलब 1,13,800 मान के चलो आप। बात करें मिनिमम डाउन पेमेंट की, तो लगा लो 20,000 आप इसको दोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपका सिविल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए, तो आपको आराम से 20,000 मिल जाएगी। प्रोफाइल के ऊपर मैटर करता है कि प्रोफाइल अच्छी होगी तो और कम देने होंगे, या फिर मत दो, जीरो डाउन पेमेंट पे आपको बाइक मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर प्रोफाइल खराब होती तो DP आपकी बढ़ भी जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करते हैं एक साल का केस कराते हो तो हर महीने आपको 12 महीने तक पे कितना करना होगा, 9,730 रुपये आपको हर महीने देने होंगे 12 महीने तक एक साल के लिए। अगर आप कराते हो 1.5 साल के लिए केस, तो आपको देने होंगे 6,818 रुपये 18 महीने के लिए। अगर 2 साल के लिए केस करते हो तो आपको ईएमआई पड़ती है पर मंथ 5,369, यानी कि 5,369 रुपीज की आपको पड़ने वाली है ईएमआई पूरी 24। ठीक है, अगर आप कराते हो 2.5 साल के लिए केस, यानी 30 महीने के लिए, तो आपको हर महीने पे करने होंगे 4,507 रुपये। अगर पूरे 3 साल यानी कि 36 महीनों के लिए अगर आप इसको फाइनेंस कराते हो, तो आपको हर महीने देने होंगे 3,936 रुपीज ओनली। तो ये आप लगा लेना कि भैया आपने 20,000 दिए और आपने हर महीने इतने इतने पैसे दिए, तो आपको ये वाली बाइक कितने ही पड़ रही है, तो ये चीज़ देख लेना। बाकी मैं ये बोलूँगा आपको कि दोनों ही डील जो है बढ़िया है अपने आपस में, क्योंकि इसमें क्या है थोड़े फीसें ज़्यादा मिल जाते हैं, तो प्राइस का कितना फ़र्क आ गया। ये 1,18 की है, अब वो 1,13,700 की है, 800 की मान लो, तो कितना फ़र्क आ गया, थोड़ा सा ही फ़र्क है। अगर थोड़े से फ़र्क में आपको टायर मोटा मिल रहा है, पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, तो आई वुड से कि आपको ये वाली बाइक लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ बाइक चलानी है, लुकिंग देखनी है, परफॉर्मेंस दोनों की सेम रहने वाली है, तो फिर आप वो बाइक ले सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत जल्द मैं एक्सट्रीम का कंपैरिजन वीडियो लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।